हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे ऑटोमेटिक प्लांट वाटरिंग सिस्टम। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ओपन करिए टिंकर कैड। ये टिंकर कैड का टेक्स्ट कोड। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर कंपोनेंट सर्च करेंगे। आर्डिनो यूएनओ को हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। इसके बाद हम सर्च करेंगे सॉइल मॉइस्चर सेंसर। सर्च में टाइप करिए सॉइल, सर्च में क्लिक करिए सॉइल, आपका सॉइल मॉइस्चर सेंसर। इसी तरीके से हम एक लेंगे मोटर, सर्च करेंगे रिले को यूज करने के लिए सप्लाई ले लेंगे। हमने सप्लाई ले लिया। अब इसके बाद इंडिकेटर के लिए हम लोग एलईडी ले लेंगे। एक एलईडी, दो एलईडी, एक ग्रीन एंड रेड एंड और दो रेजिस्टर। इसके बाद एक ब्रेडबोर्ड ले लेंगे, ब्रेडबोर्ड, स्मॉल ब्रेडबोर्ड ले लेंगे, मिनी ब्रेडबोर्ड। सबसे पहले यहाँ पास हम लोग एलईडी को पुट करेंगे, एलईडी वन एंड एलईडी टू। एक एलईडी को रेड करेंगे, दूसरे एलईडी का कलर चेंज कर देंगे ग्रीन। अब इसके बाद रेजिस्टर हम लोग कनेक्ट करेंगे दोनों के कैथोड पिन पे। कैथोड मींस नेगेटिव। ये देखिए ये कैथोड है, ये भी कैथोड है। अब इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे ग्राउंड से। इसको करते हैं बाईपास, ग्राउंड का बाईपास हमने कर दिया। अब किसी एक लाइन में ग्राउंड दे दीजिए। यहाँ पास हमने ग्राउंड कनेक्ट कर दिया, तो दोनों एलईडी को हमने ग्राउंड कनेक्ट कर दिया है। अब देखिए एनोड पिन है, एनोड पिन हमें किसी भी डिजिटल पिन से कनेक्ट करना है, कोई भी डिजिटल पिन 0 से 13 पिन के बीच में। जैसे ये आपको 0 टू 13 पिन, और ये ग्रीन एलईडी भी हम कनेक्ट कर देंगे। ग्रीन एलईडी हमने कनेक्ट किया है 11 पिन पे, और ब्लू एलईडी, रेड एलईडी हमने कनेक्ट किया है 12 पिन पे। अब हम लोग सॉइल मॉइस्चर सेंसर को कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए पावर पिन को पावर से कनेक्ट कर दीजिए, पावर मीन 5 वोल्ट। पावर मीन 5 वोल्ट, हमने 5 वोल्ट दे दिया। इसको सही कर लीजिए, थोड़ा सा खिल जाइए। इसको कर लेते हैं रेड, और जीएनडी ग्राउंड विद ग्राउंड से कनेक्ट, हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। ये ग्राउंड से हमारा कनेक्ट हो गया। इसी तरीके से सिग्नल पिन, ये हमारा सिग्नल पिन कनेक्ट होगा एनालॉग A0 पिन से। हमने A0 पे कनेक्ट कर दिया सिग्नल पिन। अब इसी तरीके से हम लोग रिले कनेक्ट करेंगे। ये हमने रिले ले लिया, रिले की 12 पिन हम लोग कनेक्ट करेंगे सप्लाई पिन से, सप्लाई के पॉजिटिव। इसको भी कर लेते हैं रेड, और इसी तरीके से टर्मिनल 8 कनेक्ट होगा हमारा आर्डिनो की डिजिटल पिन से। आर्डिनो की डिजिटल पिन से कनेक्ट कर दीजिए, जिसे 2 पे हमने कनेक्ट कर दिया। इसके बाद हम लोग टर्मिनल 6 जो हम लोग कनेक्ट करेंगे वो लोड से कनेक्ट करेंगे। लोड के पॉजिटिव से मोटर में कनेक्ट करेंगे, एंड टर्मिनल 5 हम लोग कनेक्ट कर देंगे आर्डिनो की ग्राउंड पिन से। हमने ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिया। अब हम लोग मोटर का नेगेटिव टर्मिनल हम लोग सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारी सर्किट कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग कोड सेक्शन में जाते हैं। हमने कोड पे क्लिक किया। अब देखिए सबसे पहले हम लोग पे वेरिएबल क्रिएट करेंगे।
इस ब्लॉक को डिलीट कर लेते हैं, वेरिएबल में क्लिक करिए और जनरेट करिए वेरिएबल फॉल फॉल सेंसर, फिर इंटर करिए। इसके बाद सेट सेंसर लीजिए, सेट ब्लॉक लीजिए, उसके बाद इनपुट में जाएंगे और रीड एनालॉग, क्योंकि सेंसर वैल्यू रीड हो रही है एनालॉग पिन से, और आउटपुट ब्लॉक में जाएंगे प्रिंट टू सीरियल मॉनिटर। सेंसर वैल्यू रीड करना है तो हेलो वर्ड की जगह सेंसर का ब्लॉक, सेंसर ब्लॉक। अब हम लोग स्टार्ट सिमुलेट करेंगे और सेंसर की वेट और ड्राई कंडीशन पे क्या वैल्यू आ रही है। सीरियल मॉनिटर ओपन करिए यहाँ से और सेंसर पर क्लिक करेंगे और देखेंगे वेट कंडीशन और ड्राई कंडीशन। अभी सेंसर की ड्राई कंडीशन है तो सेंसर वैल्यू क्या है, जीरो है। जहां पर सेंसर में पानी आएगा, सेंसर गीला होगा तो उसमें एक वैल्यू जनरेट हो जाएगी, जब सेंसर सूख जाएगा तो जीरो। जैसे सॉइल सॉइल में ये सेंसर हम लगा देंगे तो ये बता देगा जब हमारी सॉइल गीली रहेगी, वेट रहेगी तो बताएगा, ड्राई रहेगी तो बताएगा। अभी ये ड्राई कंडीशन में है तो वैल्यू जीरो है, ये वेट कंडीशन है तो हमारी मोटर ऑफ हो जाएगी। तो हम लोग कंडीशन देंगे, अब हम लोग कंडीशन करते हैं स्टॉप करिए, कंट्रोल में जाएंगे, इफ एल्स का ब्लॉक ले लीजिए, ये इफ एल्स का ब्लॉक है। इसके बाद मैथ सेक्शन में जाएंगे, इसको पुट करेंगे और यहाँ पर टाइप वेरिएबल में जाएंगे, सेंसर वैल्यू पुट करेंगे, सेंसर ब्लॉक, और यहाँ पुट कर देंगे 400 से वैल्यू नीचे हो तो मोटर पंप ऑन हो जाए, मतलब कि ड्राई कंडीशन में जब सेंसर जाने लगेगा तो ऑटोमेटिक पंप ऑन हो जाए। तो हम लोग आउटपुट पे जाएंगे, यहाँ पे सेट ब्लॉक लेंगे, सेट जीरो हाई का ब्लॉक ले लेंगे और यहाँ पे आर्डिनो की पिन डिफाइन कर देंगे। देखिए एलईडी हमारी ग्रीन एलईडी कनेक्ट है 11 पिन और इसके बाद हमारी कनेक्ट है 12 पिन पे और मोटर हमारी कनेक्ट है सेकेंड पिन पे। रिले रिले स्विच के तरीके वर्क करेगा, जब ये सिग्नल जाएगा तो मोटर को ऑन कर देगा। तो अब देखिए यहाँ पर जब कंडीशन फॉलो होगी तो पंप ऑन होगा और ग्रीन एलईडी ऑन हो जाएगी। इसी तरीके से इस पर राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर लीजिए, डुप्लीकेट यहाँ पुट करिए और यहाँ पर इसी को उल्टा कर दीजिए, इसको लो कर दीजिए, ग्रीन को लो, रेड हाई एंड मोटर ऑफ। अब हम स्टार्ट सिमुलेट करेंगे। अब सेंसर की वैल्यू जब भी लेस देन 400 होगी तो पंप ऑन हो जाएगा। देखिए 400 से लेस देन जीरो है, मतलब कि सेंसर हमारा ड्राई कंडीशन में है, क्योंकि ग्रीन एलईडी और मोटर ये देखिए रोटेट हो रही है। जूम करके हम दिखाते हैं, जूम करने के लिए कंट्रोल और प्लस का साइन दबाएंगे तो जूम हो जाएगा, कंट्रोल और माइनस का साइन दबाएंगे तो ये हमारा जूम कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे सेंसर की वैल्यू ग्रेटर देन 400 से ऊपर जाएगी तो देखिए हमारी पंप ऑफ हो जाएगी। देखिए अभी सेंसर की वैल्यू 878 है तो अभी सेंसर क्या है, वेट कंडीशन में है, जब ड्राई कंडीशन में होगा तो मोटर ऑन हो जाएगी। अब इसको हम लोग स्टॉप करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए इसका टेक्स्ट कोड, अगर आपने इसे ब्लॉक कर लिया है तो इसका टेक्स्ट कोड डॉक पे क्लिक करिए और यहाँ ब्लॉक प्लस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक टेक्स्ट कोड मिल जाएगा। आपको अगर हार्डवेयर प्रोजेक्ट बनाना है तो सेम कोड कॉपी करिए और सेम सर्किट बनाइए और इस कोड को आर्डिनो आईडीई यूज करके इसको अपलोड कर दीजिए तो आपका ऑटोमेटिक प्लांट वॉटरिंग सिस्टम हार्डवेयर में तैयार हो जाएगा, हार्डवेयर में तैयार। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोड की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से टेक्स्ट कोड कॉपी कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच जाए। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।